वही अगली खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि चौघान पाटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर मिठाई बांटी और पटाखे भी फोड़े। वही विधानसभा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रदेश कांग्रेस के लिए संजीवनी बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दोनों विधानसभाओं की जनता ने भाजपा की धनबल और धर्मबल की राजनीति को करारा झटका दिया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। खुशी की बात है, आज उत्तराखंड में जो दोनों उपचुनाव हैं उसमें काजी निजामुद्दीन जी और बद्रीनाथ से हमारे लखपत बंडल के प्रत्याशी थे, दोनों जो विजय हुए हैं उत्तराखंड में। और आज बहुत ही खुशी की लहर जो है उत्तराखंड में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। और आज एक मैसेज देने का काम जो है इस उत्तराखंड की जनता ने दिया है। जो भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करती है, लोगों को तोड़ के, विधायकों को तोड़ने का प्रयास करती है, उसी तरह से जो है आज जो यहाँ की जनता ने जो है करारा जवाब दिया है। और बद्रीनाथ की जनता ने तो करारा तमाचा मारा है राजेंद्र भंडारी और भाजपा के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की राजनीति की थी। और आज ऐसे दल बदलू को भाजपा के जो दल बदलू है जो कांग्रेस से जाकर भाजपा से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, पैसे के दल बल पर इधर उधर जाते हैं, आज उनको स्वस्थ कहने का काम जो है बद्रीनाथ की जनता ने किया है, उसके लिए आज हम बद्रीनाथ की जनता का और तहे दिल से आभार व्यक्त करना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर।